कलकत्ता चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर से शुक्रवार को हाउ बिल्ड एन इंडियन नैरेटिव विषय पर विशेष सत्र का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल ने अपनी बात रखते हुए कहा कि भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, इसलिए इसका अपना विश्वस्त सूचकांक होना चाहिए। उन्होंने कहा कि दुनिया की विश्वस्त माने जाने वाली आर्थिक समीक्षा करने वाली संस्थाएं एक सुनियोजित साजिश के तहत भारत को सूचकांक में पिछड़ा दिखाती है, जबकि असलियत इसके उलट है। इस साजिश का मुकाबला करने के लिए सरकार अपना विश्वस्त सूचकांक जारी कर रही है और उसे बहुत से देशों का समर्थन भी मिल रहा है। श्री सान्याल ने आगे कहा कि भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण मोड़ को स्वीकार करना होगा, क्योंकि हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की स्थिति के करीब पहुंच चुके हैं। This should be pretty obvious to everybody else. We are already almost a $4 trillion economy. We will go past Germany, which is currently the fourth largest economy in the world, in the next 18 months. And in about... इस परिवर्तनकारी चरण में वैश्विक मंच पर हमारे आख्यान को आकार देना सर्वोपरि है। 7.6% सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि के बावजूद हम रहस्यमय ढंग से वैश्विक रैंकिंग से जूझ रहे हैं। जैसे मोटापे की महामारी के बारे में चिंताओं के साथ साथ वैश्विक भूख सूचकांक पर भारत की 111वीं स्थिति दिखाई जाती है। ये सच प्रतीत होने वाले बेतुके सूचकांक वास्तविक परिणाम नहीं देते हैं। कंपनियों और निर्यातों को प्रभावित करने वाली ESG रेटिंग प्रमुखता प्राप्त कर रही है। VDEM का लोकतंत्र सूचकांक उदार लोकतंत्र में भारत को 97वां स्थान देता है, जबकि जिन देशों को अग्रिम स्थान पर दिखाया जाता है वे राजतंत्र की अवधारणा पर शासित हैं। अब समय आ गया है कि हम आत्मविश्वास से अपनी कहानी बताएं। रैंकिंग को पार करना और यह सुनिश्चित करना कि हमारी कथा विश्व मंच पर भारत की प्रगति की गतिशील वास्तविकता को प्रतिबिंबित करती है, यह प्राथमिकता और सर्वोपरि नागरिक तत्परता होनी चाहिए। इस अवसर पर कलकत्ता चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष हरिशंकर हलवासिया ने स्वागत भाषण दिया। श्री हलवासिया ने इस अवसर पर कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रगति को रोकना नामुमकिन है। सरकार के दिशा निर्देश में जिस तरह से औद्योगिक इकाइयां लगातार बेहतर परिणाम दे रही है वह क्रांतिकारी है। श्री हलवासिया ने आगे कहा कि आजादी के बाद की भारत की प्रगति और पिछले 10 वर्षों की प्रगति का अनुपात 1 है। आज विश्व गुरु बनने का सपना सच करने को सभी उत्सुक हैं और इसी क्रम में लगातार अनुमान से अधिक प्रदर्शन कर रहे हैं। श्री हलवासिया ने तथ्यों के साथ आजादी के बाद की भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रगति को रेखांकित करते हुए कहा कि राष्ट्रीयता की भावना से विकास का जो सिलसिला चला है वह सुदृढ़ और सशक्त भारत का निर्माण करेगा, इसमें कोई संदेह। Who has kindly accepted our invitation to grace the occasion, sir? We are greatly honored to have you here with us today. We have most respectable leaders of the business. मौके पर कलकत्ता चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पूर्व अध्यक्ष किशन कुमार केजरीवाल, उपाध्यक्ष अनुराग झुनझुनवाला तथा कलकत्ता चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पूर्व अध्यक्ष और बैंकिंग वित्त और आर्थिक मामलों की समिति के चेयरमैन राजकुमार छाजिर सहित विकास माधोगढ़िया, रमेश महेश्वरी, रमानंद रस्तोगी, रमेश चौखानी, पुरुषोत्तम अग्रवाल, MC जगवान, राजेंद्र खंडेलवाल,
किशन केजरीवाल, संतोष सराफ सहित कई गणमान्य लोगों की गरिमामय उपस्थिति रही। युवा शक्ति के लिए अमित कुमार की यह खास रिपोर्ट। अपने इलाके की खबरों को जानने के लिए युवा शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें।